हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कल्पिता 2629 चैनल में सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ वेज कटलेट की रेसिपी शेयर करूंगी, तो आइए देखते हैं सबसे पहले मेरे वेज कटलेट रेसिपी। आप लोग साउंड सुन पा रहे हो ज़रूर, ये देखिए बहुत ही क्रंची और बहुत ही सॉफ्ट हुआ है अंदर से। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मूँगफली को, मैं इसको तोड़ रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि तोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं बीटरूट को अच्छे से वॉश करके मैं इसको इस तरह से ग्रेट करके रख रही हूँ। फिर मैं अच्छे से धोकर मैंने रख ली है थोड़ा सा धनिया पत्ता, उसको भी मैं बारीक कट कर रही हूँ। फिर मैं कट करूँगी ऑनियन, यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन लिया है, इसको भी मैंने बारीक कट के रखी है। इसी तरह से मैंने आलू बॉईल करके रख ली है। मैंने जो मसाले चाहिए मुझे, मसालों को भी मैंने ले लिया है, आप लोग देख पा रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कितना सारा फ्लावर ही फ्लावर है। क्या हुआ है, हम लोग न्यू ईयर पे हम लोग नहीं जा पाए ना, हम लोग सब बीमार थे, तो हम लोग उसी जगह पे नहीं जा पाए जहाँ पे फ्लावर लेकर लोग आते हैं और फ्लावर बेचते हैं, उसी जगह पे लोग पिकनिक पे चले गए। ये देखिए कितने बड़े बड़े, ये बिल्कुल रियल फ्लावर है, एकदम बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर। तो इसको फेंकने में भी मुझे मन ही नहीं कर रहा है, क्या बोलूँ इसको कैसे फेंकूँ। जब तक एकदम पूरा अच्छी तरह से ख़त्म, मतलब ख़राब ना हो जाए, तब तक मैं इसको अच्छे से स्टोर करूँगी। मैंने फ्रिज में भी स्टोर किया है 2-3 दिन से, लेकिन क्या करूँ, फेंकने का मन ही नहीं कर रहा। और ये तो हम लोग पूजा पाठ में भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कांटे वाले फ्लावर देना मना होता है, आप लोग तो जानते हो। ये देख पा रहे हो कितना सुंदर है, और ये मेरा फेवरेट कलर है, पता है, पिंक कलर, येलो कलर मेरा सबसे फेवरेट कलर है। ये देखिए मैंने सब्जियों को इस तरह से कट के रख ली है, आप लोग देख पा रहे हो, मैंने बारीक कट के रखी है। यहाँ मसाले रखी है मैंने, यहाँ पे रखी है मटर को भी मैंने रखा है, अच्छे से वॉश करके सब कुछ मिला के रखी है। ये देखिए मैं फ्लावर के ऊपर थोड़ा सा पानी छिटक रही हूँ, पानी छिटकने के बाद आप लोग देख पा रहे हो एकदम ताज़ा सा लग रहा है। देखो मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम लग रहा है ना, ये एकदम ताज़ा फ्लावर। उससे बड़ी बात तो ये बड़ी बड़ी फ्लावर जो हेयर बैन है ना, सिर्फ 40 रुपया है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, सस्ता में बहुत सारा फ्लावर देते हैं। और ये देखिए कढ़ाई, मेरी बात करते करते कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, ताकि ये अंदर से क्रंची बन जाए थोड़ा सा। मेरे हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, मूँगफली मेरा फ्राई हो चुका है, और अब उसी तेल में थोड़ा सा तेल ऐड करके मैं इसमें एक एक करके मसाला डालूंगी। ये देखिए मैं यहाँ पे 5 मसाला, वो जो होते हैं ना हम लोग बोलते हैं 5 फोरन, तो उसी को मैंने डाल दी है। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन मेरा हो गया, और इसमें दे रही हूँ ग्रीन चिली। ऐड करने के बाद मैं इसमें ऑनियन ऐड करूँगी, बारीक कटा हुआ जो ऑनियन है, बाद में मैं थोड़ा सा रख रही हूँ, क्योंकि मैं 2 टाइप की बनाऊँगी आज, आप लोगों को एक टाइप की मैं शेयर करूँगी। ये देखिए अब ऑनियन भी मेरा थोड़ा सा पक जाएगा, तो फिर मैं इसमें ऐड कर मटर को मैं आधा कर रही हूँ, क्योंकि 2 पार्ट मुझे करना है, एक बच्चों के लिए है मीठा वाला, एक मेरे लिए है थोड़ा सा स्पाइसी वाला। तो स्पाइसी वाला मैं आप लोगों को दिखाऊँगी आज, बाद में वो नहीं दिखाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, फिर मैं स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको अच्छे से मिलाती जा रही हूँ। मिलाने के बाद मुझे क्या करना है, मैंने जो बारीक कट के रखी है बीन्स को मुझे यहाँ पे अभी मुझे ऐड करना है। ये देखिए अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बीन्स, मैं बाकी बीन्स को भी सबको सब्जी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, हाफ हाफ करके। इसको अच्छे से मिलाना है मुझे, थोड़ी देर तक मुझे इसको भूनना है, क्योंकि यहाँ से कच्चा स्मेल चला जाए अच्छे से थोड़ा बहुत। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जो रेड चिली फ्लेक्स है, रेड चिली फ्लेक्स मैं इस कर रही हूँ ऐड कर रही हूँ, और इसमें दिया मैंने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। अब मैं दूंगी थोड़ा सा आमचूर पाउडर चटपटा बनाने के लिए। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, ये मेरे घर के ब्लैक पेपर है, मैं आप लोगों के साथ कभी भी मैं त्रिपुरा जाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब ये देखिए इस तरह से मैंने साइड सबको ऊपर रख दी है, ताकि इसमें लोहे कढ़ाई की जो गर्म है, गर्म से थोड़ा बहुत पक जाएगा, और मेरा तेल भी अच्छे से यहाँ पे बॉयल हो जाएगा, तेल फ्राई। ये देखिए तेल मेरा गर्म हो चुका है, फिर इसमें मैंने बारीक कटा हुआ अदरक को मैंने इस तरह से इसमें मिर्ची भाग में ऐड किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, अदरक से थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा मेरा। उसके बाद मैं इस सब्जियों को सबको अच्छे से मिलाते जाऊँगी इनके साथ। ये देखिए मेरा अदरक फ्राई हो चुका है लगभग, फिर मैं इसको अच्छे से इसमें मिलाती जा रही हूँ। कलर कितना ग्रीनी है देखो, ग्रीनिश। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाजर, बीटरूट, अब सबको अच्छे से मिला, क्योंकि बीटरूट से पानी निकलता है ना, तो इसी से लगभग मेरा जो सब्ज़ी है अच्छे से पक जाएगा। और मैंने इसको मोटा मोटा नहीं काटा है,
अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने इसको ग्रेट किया है ना, तो ये जल्दी पक जाएगा। बीटरूट एकदम बहुत जल्दी गल जाएगा, आप लोग देख पा रहे हो। मैं धीरे धीरे इसको ऐसे ऐसे इस तरह से हिलाती जाऊँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेरा जो मूँगफली को मैंने फ्राई करके रखी है ना, तो वो मूँगफली को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा आधा। मैं सब चीज़ों को आधा 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 करके मैं इसमें मिलाई हूँ, हाफ करके मैं अलग पार्ट के लिए मैंने रखी है। अब मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता को अच्छे से मैं इसके साथ मिलाती जाऊँगी। और एक चीज़ आपको क्या करना है, जब भी आप सब कुछ मसाले सब जो सब्जियाँ मिलाओगे ना, तब आपको अच्छे से एकदम अच्छे से इसको मिलाना है बहुत देर तक। अब मैं इसका बॉयल किया हुआ मैश किया हुआ पोटैटो इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गाजर मेरा था ग्रेट करके जो बचा रहता है, उसको भी मैंने बॉईल किया आलू के साथ। तो इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर बहुत इस तरह से आपको ऐड करना है, मिक्स करना है अच्छी तरह से। स्ट्रक्चर इस तरह से बनना चाहिए तो ही आपका जो है कटलेट बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दी है और देखिए हाथों से मैं इस तरह से गोल गोल शेप दे रही हूँ। आपको चाहिए अपने मनपसंद का कोई भी आकार का कोई भी डिज़ाइन आप लोग दे सकते हो। ये देखिए मैं गोल गोल बना के इस तरह से लंबा लंबा थोड़ा सा साइज करके मैं इस तरह से साइज देकर मैं रख रही हूँ। बाद में मैं हाथों से प्रेस करके मैं और भी अच्छे से हाथों को वॉश करके ऑयल लगा के, ये देख पा रहे हो, इसको मैं इस तरह से गोल गोल करके रख रही हूँ। बाद में अभी मैं इसको हाथों से वॉश करके तेल लगा के थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं हाथों से प्रेस करके ताकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से और हार्ड हो, मतलब ना टूटे, इसीलिए मैं इसको अच्छे से प्रेस करके ये देख पा रहे हो इस तरह का शेप दे रही हूँ। और मैं इसमें अब गोल में दुबा रही हूँ। ये मैंने दिया है आटे का गोल बनाया है, गोल को ना पतला ना गाढ़ा करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टोस्ट लिया है, टोस्ट को मैंने अच्छे से टुकड़ा कर लिया है। टोस्ट में आप लोगों को इस तरह से दुबाना है, अच्छे से घुमाना है। जितनी बार आप पुतली लगा के दो बार घुमाओगे तो इसमें कोटिंग ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा हार्ड होगा और क्रंची बनेगा। ये देखिए मैंने इस तरह से बना के रखी है। अब मेरे पैन पे मैंने तेल बिठा दिया है रिफाइन ऑयल। फिर मैंने एक टिश्यू पेपर लेकर प्लेट को मैंने रख दिया है। तो ये देखिए तेल मेरा लगभग गर्म हो चुका है, हीट हो चुका है। उसी समय एक एक करके इसको देना है कटलेट को आपको। कटलेट का जब आप तेल पे दोगे तो उसका गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम हाई होनी चाहिए, ज़्यादा लो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। ये देखिए कलर कितना चेंज हो रहा है धीरे धीरे। ये बहुत देर से नहीं पकता है, ये बहुत जल्दी पक जाता है क्योंकि सब्जियां तो लगभग पका हुआ सब्जी ही दिया है मैंने। और ये देखिए अंदर से जब हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन होता है तब आपको इनको उठाना है, धीरे धीरे से इसको निकालना है बाहर प्लेट में। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है, आप लोग देख पा रहे हो। तो ये है दूसरी टाइप की है जब गोल गोल, जो मैंने पहले ही बोला था बच्चों के लिए भी मैं बनाऊंगी। हाफ हाफ करके मैंने सब्जी पहले से रखी है। ये गोल वाला मिठासपन है, इसमें मैंने बिल्कुल चटपटा कुछ भी यूज़ नहीं किया है। ये देख पा रहे हो ये बच्चों के लिए ही मैंने खास करके बनाई है। और जो पहले वाला जो लंबे लंबे साइज का जो है वो हम लोगों के लिए बनाए हैं। तो ये देखो साउंड कितना अच्छा आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हो सुन पा रहे हो कि साउंड देखिए कितना अच्छा है। गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और है। मैं आप लोगों को एक तोड़ के दिखा रही हूँ और गर्मा गर्म सॉस के साथ मैं सर्व कर रही हूँ। ये देख पा रहे हो आप लोग, गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और अलग है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए बाहर से कितना क्रंची है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ही है। मैं आप लोगों को हाथों से भी मैं फिंगर से प्रेस करके दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल की घंटी को प्रेस कर देना। और आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस तरह से और मुझे कमेंट करना, मुझे बहुत ही खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।